हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस सेकंड सेशन वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ़ जेएनयू पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी 2019 पेपर्स अप टू नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेंटी फाइव एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी इस एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और अभी तक अगर आपने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस देखा नहीं है उन्हें एक बार जरूर देखें उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें अब जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इन क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ में आप भी आंसर देने की कोशिश करें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेएनयू पी एच डी के साथ साथ गेट एग्जामिनेशन के लिए भी डीबीटी के लिए भी सेट एग्जामिनेशन के लिए भी तो आप भी इनमें ट्राई करें तो एक एक कर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आप भी उनमें आंसर देने की कोशिश करना चलो इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ और बताओ क्या सही होगा क्वेश्चन है कि द लर्निंग कर्व लर्निंग कर्व क्या है इसको सोचते हुए आंसर दो बेसिकली ये क्वेश्चन बाय इन्फॉर्मेटिक्स से है तो जिनको भी बाय इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी पाइथन पढ़ रखा होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है ठीक है तो लर्निंग कर बेसिकली आप अगर देखें तो मशीन लैंग्वेज के अंदर इट बेसिकली शोज अ वैलिडेशन एंड अ ट्रेनिंग स्कोर ऑफ एन एस्टिमेटर फॉर वेरिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स ठीक है खूब सारे ट्रेनिंग सैंपल्स हो सकते हैं उन ट्रेनिंग सैंपल्स के अंदर वैलिडेशन और ट्रेनिंग स्कोर है उसको पता करने का काम एस्टीमेटर इस लर्निंग कर्व से करता है इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज अ टूल टू फाइंड आउट हाउ मच मशीन लर्निंग मॉडल बेनिफिट्स फ्रॉम एडिंग मोर डाटा एंड वेदर द एडिंग स्कोर बेसिकली इट इज सफरिंग फ्राम काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ एरर फॉर एग्जाम्पल बायस एरर के साथ या वेरियंस एरर के साथ किसके साथ सफर कर रहा है उसको भी से डिस्कस किया जा सकता है कुल मिलाकर इन शॉर्ट बेसिकली दिस लर्निंग कर्व विद बाय फॉर्मेटिक्स मशीन लर्निंग से रिलेटेड है एरर uh, को असेस करने का एक टूल है एरर uh, है वह वेरियंस की वजह से हो सकती है बायस तरीके से हो सकती है ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्ट वेक्टर मशीन इज भी बाय इनफॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन है कहा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है तो यही से समझ आना चाहिए कि बायफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है तो मशीन लर्निंग के अंदर जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं दीज आर वी कैन से सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल विथ एन एसोसिएटेड लर्निंग एलगोरिज्म डाटाइज फॉर क्लासिफिकेशन एज एस रेगुलेशन एसिस जानकारी हमारे पास अवेलेबल हो तो इस आधार पर इस बेसिस पर हम आंसर दे सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इट इज अ डाटा माइनिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिज्म मशीन लर्निंग मॉडल बिल्कुल यही आंसर हो गया द टूल टू एस्टिमेट द डिजीज वैक्टर गलत बात है फाइन एड मशीन स्टेट बिल्कुल गलत बात है टूल टू यूज जेनेटिक देखो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बायो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है और बेसिकली उनका भी तो हक बनता है कुछ क्वेश्चन बायो बायोनफॉर्मेटिक्स के भी तो आने चाहिए ताकि उनको कहीं कही ना कहीं से तो बेनिफिट मिल सके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आया लो थर्ड क्वेश्चन देखें और उसका आप आंसर देने की कोशिश करो ये थर्ड क्वेश्चन आ गया कि फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरियड ट्रांसफॉर्मेशन फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है चलो आंसर देने की कोशिश करो पढ़ो एक एक ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है पहला इट रिलेट्स टू एन एक्सट्रैक्शन ऑफ पैटर्न फ्रॉम नेचर इट रिलेट्स टू एक्सट्रैक्शन ऑफ पैटर्न फ्रॉम अ नेचर हमें क्या ढूंढना है गलत बात है तो ये तो बात सही होगी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन बायर्टिंग डाटा वेरिएशन ओवर टाइम इन टू अटर्न ऑफ रिपीटेशन दीक्वेंसी फाइंडी दैट इज ऑल्सो ट्रू बेसिकली हमने पढ़ा भी था ना फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैथामेटिकल मॉड्यशन है जो हमारे पास डाटा ऑप्टेंट होते हैं उनसे थ्री डी स्ट्रक्चर से हम उनको ऑप्टेंट करते हैं इससे हम बायोलॉजिकल फिनोम इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कैन बी यूज एज टूल टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फिनोमन बिल्कुल ये भी बात सही है डी स्टेटमेंट कैन बी यूज इन टाइम नो इट कैन टाइम डिपेंडेंट इवेंट ओनली ये गलत गल, बात है तो आंसर इसका डी ऑप्शन होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहला आप एक बार पढ़ो क्वेश्चन को क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी मोस्ट लाइकली अफेक्ट ऑफ अ सिंगल अमीनो एसिड सब्सटूशन फ्रॉम ल्यूसीन टू आर्जिनिन इन हाइड्रोफोबिक कोर यानी हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर कहीं पर ल्यूसीन था जो कि एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड था उस हाइड्रोफोबिक कोर में ल्यूसीन की जगह पर हमने एक पोलार अमीनो एसिड लेकर आ गए आर्जिनिन लेकर आ गए तो ल्यूसीन की जगह पर यानी हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होगा इंट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे प्रोटीन का टीएम है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा लेकिन जैसे ही वहां पर आप आर्जनिन लेकर आ जाओगे तो अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जितने पहले स्ट्रांग थे उतने पहले स्ट्रांग नहीं होंगे यानी टीएम क्या होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए और टीएम से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो आंसर क्या होना चाहिए टीएम मस्ट डिक्रीज क्योंकि हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर आप हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की बजाय किसी दूसरे अमीनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो चलो इस क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग लगाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉरटन ग्लोबल के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ क्या सही है क्या क्या लिखा हुआ है दे हैव अ सिग्निफिकेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे हैव नो टर्स स्ट्रक्चर दे हैव अ टाइट पैकिंग दे बाइंड विदूसेंट डाई ए एन एस ये पता ना ए एन एस डाई एक हाइड्रोफोबिक डाई है इट स्टैंड फॉर एन एनी लिनो एसिड तो हाइड्रोफोबिक रीजन पर जाकर बाइंड होती है फ्लोरसेंट डाई तो ऐसा भी लिख सकते हैं एट एनिलिनो बताओ दिमाग लगा के कि इसका सही आंसर क्या है ट्राई किया आपने देखो तो अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोल्डन ग्लोब्यूल इन जनरल हमने क्या पढ़ा था

नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ अमिलॉइड फाइब्रिल ऑब्जर्न्ड इन सेवरल डिजीज आर रिचिंग चलो दिमाग लगा कर बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए सो so, आपको पता होना चाहिए कि एमिलॉइड फाइब्रिल्स होते क्या हैं और कहां पर पाए जाते हैं तो ना एमलेड फाइबर्स बेसिकली एक्स्ट्रा सेलर प्रोटीनेशियस डिपोजिट है जो मेनली एक्स्ट्रा सेलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं कई सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज से और इसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर मेजर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली द बीटा शीट्स कई सारी डिजीज के अंदर हमने इसका जिक्र भी किया था जैसे अल्जीमर डिजीज हो गया इवन टाइप टू डायबिटीज के अंदर इस तरीके फाइबर्स है उनका फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जी फॉर्म एनसेपिस है तो अब देखें तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो एमोलेट फाइबरिक्स नहीं अरे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है फिर तो आंसर हो गया बीटाशीट रैंडम कॉइल और टर्स नहीं आंसर इसका क्या हो गया बी ठीक है तो एमलेड फाइबर बेसिकली आर एग्रीगेट्स जो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं बीटा शीट से बने हुए होते हैं एक्सल रीजन में होते हैं कई सारी के साथ एसोसिएटेड है जिनमें से मेजर है डिजीजेडर उसके अलावा टाइप टू डायबिटीज और भी आप कई सारे डिजीजे सर्च कर सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जिस पर आप दिमाग लगाएं चलो अब ये क्वेश्चन है इसके ऊपर दिमाग लगाओ और आंसर दो कि क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ज नॉट बेस्ड ऑन हाइड्रोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ बायोमोलिक्यूल इनमें से कौन सी हाइड्रोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नहीं है दिमाग लगाओ चलो फटाफट तो so, पहली बात तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाइड्रोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी तब काम आती है इफ यू वॉन्ट टू स्टडी बिहेवियर ऑफ फ्लूड इन मोशन देन यू मस्ट नो वेरियस हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज

इलेक्ट्रोफोरेसिस डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोडायनेमिक जो मूवमेंट होगा लिक्विड के अंदर लाइट स्कैटरिंग का हाइड्रोडायनेमिक से कोई लेना देना नहीं है साइज एक्सट्रूशन क्रोमेटोग्राफी वापस मूवमेंट है लिक्विड में सेडिमेंटेशन या सेंट्रिफिकेशन वापस दिस इज द मोशन इन अ लिक्विड सो बी का हाइड्रोडायनेमिक से कोई लेना देना नहीं नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है चलो दिमाग लगाओ फॉलोइ पैप्टाइड विल एग्जिबिट बोथ सिर्स आयोसोम ट्रांस तरीके का आइसोमर बनाने का काम कौन सा अमीनो एसिड करता है प्रोलिन और प्रोलिन भी किधर की तरफ उसके सी टर्मस पर या एन पर तो आपको याद होगा कि प्रॉब्लम कहां पर है प्रोलिन के एन पर क्योंकि यहां पर साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है सो so, अमीनो एसिड ए वन के साथ जहां पर प्रोलीन बॉन्ड बना रहा है इस पेप्टाइड बॉन्ड पर कंडीशन भी हो सकती है और ट्रांस कंडीशन भी हो सकती है

क्वेश्चन uh, है क्वेश्चन है द कनेक्टिविटी बिटवीन आईनी आई आई प्लस वन कनेक्टिविटी द कनेक्टिविटी बिटवीन टू अमीनो रेसिड्यूज ऑफ प्रोटीन इन अ स्पेस कैन बी मेजर्ड बाई विच आर दर मैथड तो ये तो बहुत डायरेक्ट आंसर हो गया हमने पढ़ा भी था न्यूक्लियर ओवर होशियर हो एनेंसमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसको तो आंसर डायरेक्ट ही हो गया कोवरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर नहीं सकते टोटल कोवरेंट का इस्तेमाल कर नहीं सकते पीछे एक ही आंसर बचता है दैट इज द सी दैट इज न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिससे आप कनेक्टिविटीज और उसके बेसिस पर आगे चलकर आप प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं फर्दर हम ट्रस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा पाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आप इसका आंसर देने की कोशिश करना न्यूमेरिकल है क्या इंफॉर्मेशन है उसको पहले एक बार सॉल्व देख लेते हैं कहा गया है अ 50 मिलीग्राम एम एल सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन वॉज डायल्यूटेड टू टेन फोल्ड ठीक है टेन फोल्ड डायल्यूशन किया और फिर कंसंट्रेशन एस्टिमेट की सो so, 50 मिलीग्राम पर एम एल है उसको टेन फोल्ड डाइल्यूट किया तो अब बेसिकली वो फाइव मिलीग्राम पर एम हो गया होगा सोल्यूशन गिवन दैट मॉल्यूलोल्टेट कंसन इन मिलीमूलर इन यूनिट तो बात ये है कि जो वेल्यूज है वो आपको मिलीग्राम पर एम में दे रखी है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है millimolar. तो बहुत सिंपल सी बात होगी 5 मिलीग्राम पर एम है मतलब ये भी कह सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर है ये बात हो गई एक एम में 5 मिलीग्राम है तो 1000 एम में 5000 मिलीग्राम होगा जिसका हम 5 ग्राम भी कह सकते हैं मोलिकुल वेट कितना है 50,000 डाल्टन तो जितना मोलिकल वेट है माय डियर फ्रेंड उतना अगर हम ग्राम लेंगे यानी फिफ्टी अगर हम इस ग्राम लेंगे तो हमारे पास एक मोलार होगा अगर हम एक ग्राम लेते हैं तो ये हो गया वन डिवाइड पर फिफ्टी थाउजेंड लिया है फाइव ग्राम तो फाइव ग्राम लिया तो मोलरिटी कितनी आ गई फाइव डिवाइड बाय फिफ्टी इसको हम इस से हमें मिली मोलार में कन्वर्ट करना है ना तो ऐसा भी कर सकते हैं फिफ्टी इन टू टेन्स फॉर थ्री मोलार और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कट गया वन बाय टेन इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मोलार इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है पॉइंट वन टेन टू माइनस थ्री मिली मोलार तो किस किस का आंसर वन आया जिसका भी आंसर वन आया उन्होंने बिल्कुल सही किया है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है तो यहां पर कंफ्यूजन करने के लिए बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है बात सिर्फ इतनी सी लिखी है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है और अगर 5 मिलीग्राम पर एम का सॉल्यूशन है तो उसकी मोलार मोलारेशन कितनी है वेट आपको दे रखा था समझ में आया चलो लाइक like करो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ तो. देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कहा गया है वॉटर हैज अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एटी इन कंपेरिजन विथ मेनी नॉन पोलार सोल्वेंट है वेरी लो यानी जो नॉन पोलार सॉल्वेंट है उनका कम होता है सोल्वेंट टू वॉटर यानी ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं नॉन पोलार सोल्वेंट टू वॉटर तो आपको पता है कि हमने चाहे एनर्जी की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है आपको पता है ना एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने के क्यू वन क्यू टू आर डी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमने क्या किया कि नॉन पोलर एनवायरमेंट जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम है वहां से उसको हमने ट्रांसफर किया वाटर में जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वैल्यू ज्यादा है और की वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स डिक्रीज ठीक है फ्रेंड्स जिन्होंने भी सही डिक्रीज लिखा है उन्होंने सही किया है वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरक्शन नॉन पोलार एनवायरमेंट में सबसे स्ट्रांग होते हैं और पोलार एनवायरमेंट में वो बहुत वीक होते हैं आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन को देखो आप कहा गया है एंजाइम कंटेन फोर डाइसल्फाइड बॉन्ड ओपन अप स्ट्रक्चर आफ्टर ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड दिस स्ट्रक्चर कुड बी फोल्डेड बैक यानी कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर था उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड थे इस तरीके से कम से कम चार जगहों पर कोई डाइसल्फाइड थे एंजाइम के अंदर और डाइसल्फाइड को ब्रेक कर दिया और ऐसा कुछ हो गया फिर क्या 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 है अगर इसको वापस इस कंडीशन में तो ब्रेक करने के लिए आपने कैसा एनवायरमेंट इस्तेमाल किया होगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा क्या है

ये तो वापस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हमारे पास कम से कम ऑक्सीडाइज फॉर्म कुछ न कुछ ऑक्सीडाइज फॉर्म है वह इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो आंसर इसमें से जो पॉसिबल है वह सिर्फ और सिर्फ कौन सा है ए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा चलो लगाओ दिमाग अपना द वैल्यू ऑफ डाईहाइड्रल एंगल थोड़ा सा करेक्ट लो यहां पर फाइव है ना फाइव सिंबल फाइव क्या रिप्रेजेंट करता है तो आपको फाइव और साई दोनों पता होनी चाहिए फाइव रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड एंगल बिटवीन एन एंड सी एल्फा और अगर साई पूछा जाता तो आंसर होता सी एल्फा और सी प्राइम से आपसे ओमेगा पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था सी प्राइम एंड एन और अगर आपको काई पूछा जाता तो आपका आंसर होना चाहिए सी एल्फा फन आर ये भी हो सकता है कि कभी ना कभी आपको आगे पूछे जाए फाइव साई ओमेगा एंड है? यहां पर फाइव पूछा है तो फाइव किसके बीच में होगा एन और सी एल्फा के बीच में जिन्होंने भी फाइव के बारे में सही आंसर दिया है या सोचा है वेरी गुड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में काफी डिटेल से पढ़ा था क्वेश्चन क्या है देखो आप सिल्क फाइब्रोइन अ प्रोटीन इन अ सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट ये तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए एंटी पैरेलल बीटा शीट्स ऐसा कोई आंसर में है यस एंटी पैरेलल बीटा शीट्स देखो पाई हेलिक्स ट्रीट एनलिक्स तो है ही बहुत रेयर कॉइल्ड कॉइल मेनली में ऐसा हो सकता है यहां पर तो आंसर क्या होगा बीटा शीट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और बीटा शीट्स भी किस तरीके के एंटी पैरेलल बीटा शीट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं देखो कितना क्वेश्चन सिंपल है सेट ऑफ जीन्स रिलेटेड बाय डुप्लीकेशन विद इन अ जीनोम आर नोन एस विद इन अनोम की बात की गई विदिन अ स्पीसी विद इन जीनोम चलो दिमाग लगाओ सो इफ इट इज अ विद इन अम जहां पर डुप्लीकेशन डायवर्जेंस हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा इट वुड बी रेफर टू एस पैरा लॉगस इफ इट वुड है डिफरेंट जिनोम सॉरी डिफरेंट स्पीसीज तो फिर आपका आंसर क्या होता फिर आपका आंसर होता ऑर्थोलोगस सो so, हमें अभी कौन सा आंसर चूज करना है पैरालोगस क्लियर आगे नेक्स्ट चलो इस क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगाओ इफ द मोनोप्लॉइड नंबर ऑफ प्रोमोजोम इन अग्जाप्लोइडी प्लांट इज नाइन सिक्स एक्स के अंदर जो मोनोप्लॉइड नंबर है यानी एक्स का जो नंबर है वह है नाइन तो सिक्स एक्स कितने हो गए वो भी आपको पता होना चाहिए सिक्स एक्स हो जाएंगे फिफ्टी फोर सो ये सोमेटिक सेल में होगा ये मोनोप्लॉइड नंबर है मोनोप्लॉइड का मतलब एक्स की बात की गई है तो हैप्लोइड हैप्लोइड क्या होता है, है सोमेटिक का हाफ गैमेट्स के अंदर तो हैप्लोइड नंबर कितना होगा वो पूछा है तो हैप्लोइड वुड बी हाफ ऑफ दिस सो मैट्रिक्स इसको हमने 2n इक्वल टू तो लिखा तो हैप्लोइड होगा n इक्वल टू 3x तो 3x में कितने नंबर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स 9 into 3 कर लो 9 into 3 कितने होते हैं 27 तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 27 तो यहां पर अब जो हमने क्लास में पढ़ा है वो वाला कांसेप्ट सिंपल सा काम आना चाहिए कि n है या 2n है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम सोमेटिक सेल्स के लिए एंड रिप्रेजेंट फॉर है एक्स टू एक्स थ्री रिप्रेजेंट करता है इस्तेमाल है, है, है. करते हैं ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आता है तो आप कर लोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन है कि पी डी एन ए ट्रांसफर इन एग्रो बैक्टीरियम अकर्स थ्रू टाइप वन सिक्रेटरी सिस्टम टाइप टू सिक्रेटरी सिस्टम टाइप थ्री सिक्रेटरी सिस्टम एंड टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम तो नहीं मारना है नहीं पता तो वापस पढ़ लेना कि जो एग्रो बैक्टीरियम है और प्लांट सेल्स के बीच में कंजुगेशन होता है फिर टी डी एन ए ट्रांसफर होता है यानी इंजेक्शन होता है दैट अकर्स थ्रू अ टाइप फोर सिक्रेशन सिस्टम पी एस एस फोर जो हमने क्लास में पढ़ा था नहीं तो आप एक बार फ्रांसू सर और इवन विशाल सर के दोनों के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर एग्रो बैक्टीरियम पर उनको एक बार देखें आपको चीज क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये हम उस पॉइंट डिटेल में कवर करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ये भी बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पढ़ो और आंसर दो क्वेश्चन यह है द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल यानी बहुत स्मॉल साइज टेन टू हंड्रेड नैनोमीटर वाले जो मटेरियल्स हैं उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं बाय ब्राइट फील्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी नो बाय कॉनफोगल फ्रोसिस माइक्रोस्कोपी नो बाय इनवर्टेड माइक्रोस्कोप नो पीछे एक ही बचा ए एफ एम दैट एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी जब हम पढ़ रहे थे तो इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर क्या हो गया ए एफ एम एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन चलो दिमाग लगाओ आप अब इस पर कहा गया है क्वेश्चन द नोबल मेटलिक नैनो मटीरियल शोज एन एब्जॉर्बेंस इन विजिबल रीजन कोई मेटलिक जैसे गोल्ड नैनो मैट मान लें नैनो पार्टिकल है वह विजिबल रेंज में एब्जॉर्बेंस शो करता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहता है तो गोल्ड की नैनो पार्टिकल्स की फिल्म उसके ऊपर लाइट बम्बार्ट करते हैं उससे जो वेव्स जनरेट होती है ऐसा हमने कुछ पढ़ा था कोई याद पूरी टेक्निक भी पढ़ा था एब्जॉर्प्शन की वजह से करते है. इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ये भी देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है चलो दिमाग लगाओ उसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ प्रोटीन इज पॉइंट टू एट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दे रखी है पॉइंट टू एट मोलार एक्सटेंशन ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 60, हम ऐसा भी लिख सकते हैं है तो हम इसको 6.8 पॉइंट एट इन टू एक बार लिख देते ताकि हमारे न्यूमेरिकल में थोड़ी आसानी रहेगी

बात कर रहे <laughs> इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर हो गया जीरो और वी कैन से इसको थोड़ा और थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेते हैं पॉइंट टू एट को हटाकर यहां पर 10 2 कर लेते हैं तो हमारे पास हो गया ट्वेंटी चला गया 10 6 molar, ठीक है ठीक तो 6 का ट्वेंटी फोर और फाइव के बीच लगभग फोर पॉइंट वन समान से लिख सकते हैं फोर पॉइंट या तो फोर पॉइंट वन इन टू टेन एस टू माइनस सिक्स ऐसा ऑप्शन नहीं है 10 और यू कैन से दैट इट कुड बी 41 के सेंस में बात करें तो इट वुड बी 41 10 सेवन ऐसा हो सकता और ऐसा आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन फर्स्ट इस तरीके से हम आंसर फर्स्ट की तरफ पहुंचे चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41.1 10 सेवन ये सही आंसर है इस नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ तरह क्वेश्चन है इसको दिमाग से दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट अ लोन पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड लोन पेयर आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है इसको एक बार देखो और आंसर पता करो फटाफट देखो, देखो देखो चलो तो so, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस होने के लिए कंडीशंस कैसी चाहिए तो जहां कहीं पर भी जो कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेट से ये कोई एन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास में अगर डबल बॉन्ड सीधा आ गया तो रेजोनेंस नहीं होगा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास सिंगल बॉन्ड है और आगे चलकर डबल बॉन्ड है तो फिर रेजोनेंस हो जाएगा तो सिर्फ हमें इतना सा देखना है कि जहां कहीं पर भी लोन पेयर है उस लोन पेयर के जस्ट पास में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि उस कंडीशन में रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा इसमें देखें यहां पर लोन पेयर है और लोन पेयर के जस्ट पास में डबल बॉन्ड आ गया इसलिए रेजोनेंस यहां पर नहीं होगा वापस यहां पर लोन पेयर है उसे जस्ट पास में डबल बॉन्ड आ गया एक छोड़कर आना चाहिए अगर जस्ट पास में आ गया तो फिर उस कंडीशन में रेजोनेंस नहीं होगा यहां पर लोन पेयर है एक सिंगल बोंड आ गया और फिर डबल बोंड आ रहा है फिर यहां पर रेजोनेंस होगा यहां पर लोन पेयर है एक सिंगल बोंड आ गया फिर डबल बोंड आ रहा है यहां पर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस क्या पूछा है कौन इन्वॉल्व नहीं है कौन इन्वॉल्व नहीं है बहुत सिंपल सा आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड यानी हमारा आंसर हो गया सी इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से थोड़ा सा भी आपको रेजोनेंस के लिए कंडीशन पता होती तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कहा गया है कि अरेंज देम दी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी डिक्रीजिंग एसिडिटी के हिसाब से इनको अरेंज करो चलो फटाफट दिमाग लगाओ तो देखें इसके अंदर इन सब स्ट्रक्चर्स में आप कॉमन बात देखेंगे कि यहां पर ओ OH ग्रुप सभी जगह पर कॉमन है इसके बेसिस पर डिफरेंस आएगा नहीं यहां तक सबके अंदर ये रिंग्स भी सबके अंदर कॉमन है अब हमें जो कुछ भी दिमाग लगाना है वह इसके बेसिस पर लगाना है यहाँ पर ओ मेथाइल ग्रुप है यहां पर नाइट्रेट ग्रुप है तरीके से एनओ NO माइनस यहाँ पर उसके उसके प्लस चार्ज आ गया यहां पर डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर क्लोरीन आ गया है ठीक है तो अब आपको पता लगाना है कि इस एसिड की स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ में क्या फर्क है बेसिकली है जो जितना आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर पाएगा जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस हम कह सकते हैं आर इफेक्ट शो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हैं फोर्थ वा, वाले केस के अंदर तो ये तो बेसिकली फोर्थ वाला केस तो हमेशा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा और रेजोनेंस के साथ साथ ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा इसके अंदर माइनस आर माइनस आई यानी हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन आना चाहिए ठीक है उसके बाद क्लोरीन क्लोरीन है वो शो कर रहा है बेसिकली आपका क्लोरीन क्लोरीन शो कर रहा है आपका अगर देखें तो माइनस मतलब ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा माइनस आई मिथाइल ग्रुप है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ तो उल्टा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा और ये प्लस आर इफेक्ट हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए माइनस आर माइनस आई वाला सबसे पहले आ जाना चाहिए उसके बाद माइनस आई वाला आ जाना चाहिए उसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए प्लस आई वाला और सबसे लास्ट के अंदर आ जाना चाहिए

फिर ये फर्स्ट होना चाहिए फिर थर्ड होना चाहिए तो थोड़ा सा भी आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो देखो दिमाग लगाओ देख रहे हो बहुत सिंपल सा है ये एक दूसरे की क्या है मिरर इमेजेस इधर इधर बी है इधर इधर बी है ये ए है ये ए है दोनों एक दूसरे क्या है मिरर इमेजेस और मिरर इमेजेस क्या होती है ये समझ में आ जाना चाहिए मिरर इमेजेस दे आर रेफर टू एस डी एल फॉर्म दीज आर रेफर टू एस एनशिमर्स एनोमर्स क्या होते हैं तो एनोमर्स के अंदर बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो किसी एक कार्बन पर होता सेम कंपाउंड तो है नहीं क्योंकि मिरर इमेजेस है डाइस्टीरियो आइसोमर्स दे आर हैविंग अ डिफरेंसेस एट मोर देन वन प्लेस बट नॉट एट ऑल प्लेसेस तो यहां पर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है इसलिए हमने क्या कहा एनैन्शियोमर इस क्वेश्चन को देखें आप क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कहा गया है सेंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड के अंदर इट वाज ऑब्जर्वड दैट पी टू साइटोसिन वर मिसिंग इन अ जीसी जीसी रिच रिच डीएनए डीएनए यानी है वहां पर आपके पास साइटोसिन वाली पीक है वह गायब है क्या कारण हो सकता है तो क्या कई सारे हो सकते हैं पर हमें जो आंसर ढूंढने हैं वह कंडीशन दे रखी है उन्हीं में से ही है ढूंढने हैं क्या लिखा हुआ है फ्लोरोसेंट लेबलिंग वाज डन इन रूम टेम्परेचर तो इससे तो कोई लॉस नहीं होता ये आंसर हो नहीं सकता प्राइमर एंड टेम्पलेट पीएचआर आई दर न्यूट्रल और बेसिक न्यूट्रल है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए

ये डायरेक्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बहुत कोर फॉर द फॉलोइंग हाईली सेलेक्टिव रिडक्शन विच रीजन दो सभी एजेंट है, है? डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा एल सेलेक्टराइट right. ठीक है तो आंसर उसका ए चलो ये क्वेश्चन थे जो बायोटेक पी एच डी में पूछे गए हैं तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है देखो आप देखेंगे बहुत कम क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर मैथ्स है हार्डली मेरे को तो कोई क्वेश्चन मैथ्स का दिखाई दिया नहीं एनालाइज करें तो बायोनफॉर्मेटिक्स के दो से तीन क्वेश्चन थे उसकी भी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी खौफ खाने की जरूरत नहीं है तीन या चार क्वेश्चन थे जिनसे एक दो क्वेश्चन तो हम बायोलॉजी के लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं तो फिर किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री से आ रहे हैं सिंपल सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है मॉल्यूटर बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है एक दो डेवलपमेंट का क्वेश्चन है एवोल्यूशन से एक दो क्वेश्चन है अगर इस सेक्शन को भी आप सही ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको इस जेएनयू पी एग्जाम को क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता थिंग इज दैट कि अगर बायोथोटिक्स आपके लिए नई है मैथ्स आपके लिए नई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए नई है तो उस टेंशन को छोड़ दें उसके बिना भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर आर पी एच डी ओके डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल इस वीडियो को जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक भी नहीं किया है और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सो वंस अगेन थैंक यू एवरी वन